क्या गंभीर अपने जिद को चलते इंडिया को बर्बाद कर देंगे? कई क्रिकेट फैंस को ऐसा लग रहा है कि देश भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन टीम हमारी गुलाम हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ आनंद प्लेरॉट, देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। क्रिकेट फैंस को अचानक से गौतम में ग्रेग चैपल नजर आने लग रहा है। कई सारे क्रिकेट फैंस को ऐसा लग रहा है कि या तो इंडियन टीम बर्बाद हो जाएगी या फिर गौतम 2027 से पहले ही रिजाइन कर देंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई पक्की खबर आई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत जल्दी वो सीन रिपीट हो सकता है जिसमें हमें कोहली और गंभीर के बीच फाइट देखने मिली थी, अब गंभीर और किसी और इंडियन टीम प्लेयर के बीच देखने मिल सकती है। लोगों का कहना है कि गंभीर और कोहली की पहले से ही नहीं बनती। इसके बाद हार्दिक को कैप्टन बनाकर गंभीर उनकी गुडबुक से भी गए और अब लोगों को ये आशंका हो गया कि कोच और कप्तान का फाइट हो सकता है। जी हां, इंटरनेट वालों की माने तो रोहित और गंभीर के बीच सिचुएशन खराब हो सकती है अगर गंभीर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। क्या है उनकी जिद? चलिए वीडियो में बात करते हैं। ऐसी जनता बोल रही है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, ये समझ लेना। कह दो कि ये झूठ है। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रोहित शर्मा और कोहली दुलीप ट्रॉफी खेलने वाले हैं, जहाँ इंडिया के सारे बड़े स्टार्स को बांग्लादेश के सीरीज के प्रिपरेशन के तौर पर इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट दुलीप ट्रॉफी खिलाया जाएगा। सिलेक्शन कमिटी ने स्पेशली सारे खिलाड़ियों से कहा कि दुलीप ट्रॉफी खेल लीजिए, जो कि 5 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक खेली जाएगी। बांग्लादेश की सीरीज 19 तारीख से शुरू होनी है। खबर आई गंभीर और सेलेक्टर की तरफ से, रोहित और कोहली को यह मैसेज दिया गया कि उन दोनों को भी दुलीप ट्रॉफी खेलनी है। रोहित शर्मा ने आखिरी बार 2016 में यह ट्रॉफी खेली थी, जहाँ पर वो इंडिया ब्लू टीम हिस्सा थे और इस टीम के कप्तान थे अभी के कोच गौतम गंभीर, जबकि कोहली ने आखिरी बार 2010 में दुलीप ट्रॉफी खेली है। लेकिन अब इतने सालों के बाद अपना करियर खत्म होने के करीब रोहित और कोहली को ये बोला जा रहा है कि दुलीप ट्रॉफी खेलो। हालांकि दुलीप ट्रॉफी खेलने के लिए 4 टीमों का अनाउंसमेंट हो गया है और कम से कम जो पहले राउंड में है उसमें से कोहली और रोहित का नाम तो नहीं है, लेकिन उनका नहीं खेलना क्या गंभीर को रास आएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहित ने आखिरी दुलीप ट्रॉफी 2016 में खेली और कोहली ने 2010 में। इसकी बड़ी वजह यह रहे कि धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद ये दोनों टीम इंडिया की दूरी बनकर रहे और उसके बाद इन्हीं दोनों के भरोसे टीम इंडिया आगे बढ़ने लगी, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जब वर्ल्ड कप वाला साल था तब विराट और रोहित ने T20 नहीं खेला और जब T20 वाला वर्ल्ड कप आने वाला था उन्होंने वनडे खेलना छोड़ दिया। बेसिकली द्रविड़ जब तक कोच थे तब तक कोहली और रोहित को भरपूर आराम दिया गया। इसकी वजह थी उनका वर्कलोड मैनेज करना। द्रविड़ के कोचिंग में सारे सीनियर प्लेयर्स को सिर्फ इम्पोर्टेंट सीरीज के लिए खिलाया गया, लेकिन गंभीर के कोचिंग में रोहित और कोहली को डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए भी खेलने के लिए कहा गया है। ये जानते हुए भी कि रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं और उसके लिए डोमेस्टिक तो छोड़ो, उनको इंटरनेशनल मैचों में भी छुट्टी की जरूरत रहेगी। फिलहाल जैसे मैंने बताया, रोहित और कोहली दुलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या गंभीर इस फैसले से खुश होंगे या नहीं? जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि द्रविड़ और गंभीर में से सही कोचिंग स्टाइल आपको अभी तक किसका लगा। गंभीर के फैंस भी कमेंट करें और राहुल द्रविड़ के तो फैंस बहुत सारे, इनफैक्ट गंभीर खुद राहुल द्रविड़ को इतना मानते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। बाकी आपसे मिलते हैं कल और एक कड़क वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।